हर हर महादेव। देखिए बहुत ही मार्मिक, गंभीर, सर्वजनोपयोगी, सार्वजनिक प्रश्न है। राजीव पांडे लखनऊ से, उत्तर प्रदेश से, उनका प्रश्न है। गुरुदेव चरण वंदन। मेरा प्रश्न है कि दैनिक पूजा पाठ में जो हम जो है दीपक जलाते हैं, वो शुद्ध गोघृत न मिलने पर क्या करें, किससे जो है दीपक जलाएं। यही प्रश्न हवन के प्रसंग में भी है कि आजकल शुद्ध गोघृत नहीं मिल रहा है, तो किससे हवन किया जाए। उनके विकल्प अनुकल्प विकल्पात विकल्प क्या क्या है, क्या जो है किस किस से हवन किया जा सकता है, किस किस के अभाव में, तो ध्यान से सुनिएगा। यूं समझिए, पूजन पाठ में, हवन में, दीपक में, और भी जगह जहाँ जहाँ जो है शुद्ध गोघृत की बात है और वो न मिले तो क्या करें। देखिए कि घृतार्थे गोघृतम ग्राह्यम, जहाँ भी चर्चा घी की है ना, कि घृत जो है हवन पूजन में लिया जाए, वहाँ घृतार्थे गोघृतम ग्राह्यम, केवल गाय का ही घी ग्राह्य है, गाय का ही घी ग्रहण करना चाहिए। और तदभावे माहेशम, तदभावे वो न मिले तो माहेश माने जो है भैंस का घी ले लेना चाहिए। आजम्बा तदभावे तो साक्षात तैलम अपीष्यते, आजम यदि गोघृतन भी नहीं मिले, भैंस का नहीं मिले, तो आजम माने अजासंभवम, जो है बकरी भेड़ का घी ले लेना चाहिए, उससे भी हवन पूजन हो सकता है। तदभावे तु साक्षात तैलम अपीष्यते, और वो भी नहीं मिले, गाय भैंस बकरी भेड़ इत्यादि का न मिले, तो साक्षात तैलम तो तिल से संभव, तिल के तेल को ले लेना चाहिए। ये बात ध्यान रहे कि पहला पहला न मिलने पर दूसरा ही मुख्य होता है, और दूसरा न मिलने पर फिर अगला, तीसरा, चौथा, ये ध्यान रखना, क्योंकि आगे ये कहेंगे, देखिएगा। और यदि कहीं शुद्ध तिल का तेल भी आप संभव न कर पाए, तब तैलाभावे गृहीतव्यम तैलम जरतिल संभव, तो जरतिल का तेल, जरतिल का तेल ले लेना चाहिए। और वो भी न मिले तब तदभावे अतसी स्नेहा, तो वो अतसी का तेल, जिसको अस्सी कहते हैं, अतसी कहते हैं, उसका तेल जो है फिर निकाल लेना चाहिए। उस तेल से भी हवन पूजन दीपक इत्यादि ये सब हो सकता है, पर पूर्व में कहे गए किसी के न मिलने पर। और वो भी न मिले, अतसी का तेल भी न मिले, तो कौसुम्भा, कौसुम्भ माने कुसुम का, किसी भी फूल का, जैसे ये जो होता है सूर्यमुखी का या और भी कोई फूल होते हैं, उनके तेल को ले लेना चाहिए, वो कौसुम्भा कुसुम संभवम। और किसी भी जो है पुष्पादि का तेल न मिले तो कहते हैं सरसपोद्भव, तो सरसों का तेल ले लेना चाहिए, सरसों के तेल से भी दीपक हवन इत्यादि हो सकता है। अरे भाई सरसों का तेल भी शुद्ध रूप में न मिले तो कहते हैं वृक्ष स्नेहो थवा ग्राह्य, फिर वृक्ष स्नेह को ले लेना चाहिए। स्नेह माने तेल, किसी वृक्ष से होने वाला, यही नारियल का लिया जाएगा, नारियल का तेल है ना, या जो है किसी देवदारु इत्यादि कोई वृक्ष होते हैं, उनकी लकड़ी में भी तेल निकलते हैं, चंदन में तेल निकलता है, चंदन का तो फोर महंगा, बहुत महंगा होगा, तो और भी जिस वृक्ष की लकड़ियों में तेल निकलता है उसको भी ले सकते हैं। वृक्ष स्नोत भव, ठीक है, वृक्ष स्नेहो थवा ग्राह्य, परंतु पूर्वा लाभे परह परह, पहला न मिलने पर ही पर वाला लेना। ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ तो ये रखा हुआ, हम इसी से हवन कर देते, सरसों का तेल भरा पीपा रखा है और इसी से हवन कर देते, कहाँ से जाएं का क्या ला, नहीं नहीं, तो फिर वो जो है ग्राह्य नहीं होगा। या आप समर्थ हैं कि घी भी आप ला सकते हैं, महंगा है तो क्या आप ला सकते हैं, तो उससे ही हवन करिएगा। फिर कहते हैं
तदभावे यव ब्रीहि श्यामा कान्य तमोद्भव। और यदि ये भी न मिल सके आपको वृक्षों से होने वाला इत्यादि तेल, तो कहते हैं जौ, धान या समा, इनकी जो तुषा होती है, तुषी होती है, छिलका होता है, इनमें भी तेल होता है। जौ की तुषी, जौ के ऊपर जो छिलका होता है उसमें भी होता है। अथवा ये जो है आप धान का छिलका, धान का तेल तो मिलता है बाजार में, और अथवा ये जो है समा का जो छिलका होता है, इनमें भी तेल पाया जाता है, तो उनके तेल से भी हवन किया जा सकता है, उनके तेल से भी दीपक जलाए जा सकते हैं। परंतु ये पूर्वालाभे, माने पूर्व अलाभे, परह परह, फिर उसके बाद उसका नंबर, उसके बाद उसका नंबर, तो ये नंबर भी याद करना पड़ेगा आपको, इसको जो है क्रम से लिख लीजिएगा, पहले किसका, फिर किसका, और फिर किसका। तो सबसे प्रथम उत्तम है गोघृत। तो ये जो है संस्कार दीपक ग्रंथ में बतलाया गया है, जहाँ जहाँ भी संग्रह ग्रंथ हैं जो जो भी हमारे, तो उनमें आज्य, आज्य क्या हो, है ना, किस किस के आज्य से हवन, स्नेह से हवन हो सकता है, उनकी जहाँ जहाँ परिगणना है वहाँ वहाँ ये सब गिनाए गए हैं। तो परंतु यही बात है मुख्य रूप से कि अगर कोई भैंस गाय का घी न मिले तो कम से कम शुद्ध भैंस का ही मिल जाए, बकरी इत्यादि का भी अगर शुद्ध मिल जाता तब भी ठीक है, नहीं तो शुद्ध जो है तिल के तेल से दीपक जलाना, तिल के तेल से हवन इत्यादि करना ये संभव है। आप तिल खरीद करके इसको तो कहीं भी कोल्हू पे जा करके पिरवा सकते हैं अपने सामने बैठ करके। घी का तो ये बड़ा प्रक्रिया होगी कि वो दूध 8-10 दिन कम से कम दूध हो, फिर ये सब हो, क्या है, तिल तो आप ले जा करके पिरा सकते, तिल के तेल से हवन इत्यादि हो सकता है, तो ये है, नहीं तो फिर सरसों का तो है ही, तिल भी किसी को महंगा लगे या वहाँ कहीं संभव ना हो तो फिर इसको ले लेना चाहिए। इस तरीके से पूजा में हर तरीके का, हमारे यहाँ कोई ऐसा नहीं है कि भाई ये ही चाहिए, कई विकल्प हैं, परंतु उन विकल्पों, इतने विकल्प बता दिए, 10-12 दर्जनों विकल्प बता दिए, उन सभी दर्जन विकल्प में भी सावधानियाँ हैं, वही हो, उनमें भी मिलावट नहीं होनी चाहिए। तो अपने शक्ति सामर्थ्य के अनुसार, देश काल परिस्थिति के अनुसार हम इन सबको जो है ग्रहण कर सकते हैं, सबका व्यवहार कर सकते हैं। हर हर महादेव।